एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम तो सबने सुन ही रखा होगा और सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि बस एक बार एमिटी में एडमिशन हो जाए फिर तो लाइफ सेट है, यहाँ से हाईएस्ट पैकेज लगेगा, बस लैविश लाइफ जिएंगे। बट क्या सच में ऐसा होता है या सिर्फ और सिर्फ एमिटी अपने ब्रांड नेम से ही फेमस है? ये सभी बातें हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं महक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे एमिटी ऑनलाइन का रिव्यू और मैं दूंगी आपको एकदम अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पोस्ट अ न्यू वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एमिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एमिटी यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द वेल नोन प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच हैज नैक एक्रेडिटेशन विद ग्रेड A+। एमिटी हैज आल्सो अप्रूवल्स ऑफ UGC, NIRF एटसेट्रा एंड साथ ही साथ इसके पास WES का भी अप्रूवल है विच मीन्स योर डिग्री इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड वैलिड। इसके पास 27 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन एजुकेशनल इंडस्ट्री। साथ ही साथ एमिटी हमें बहुत सारे UG एंड PG कोर्सेज प्रोवाइड करता है विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन और उन सभी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी फीस और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ड्रॉबैक के बारे में बताती हूँ जो कि मुझे एमिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है एंड दैट इज कि एमिटी की जो फीस है वो बाकी सभी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा है। दिस मीन्स हर कोई जो स्टूडेंट है वो एमिटी में एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि इनकी फीस बहुत ही ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू बाकी सारी यूनिवर्सिटी। एमिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है विद LMS फैसिलिटी दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट्स को वेरियस फैसिलिटीज मिल जाती हैं लाइक देयर सिलेबस, एग्जाम, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स। बेसिकली ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें ई बुक्स, ई लाइब्रेरी सभी का एक्सेस स्टूडेंट को मिल जाता है। साथ ही साथ एमिटी देती है अपने स्टूडेंट्स को लाइव टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम इट्स एलुमनाई, जिससे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है। और ये प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट को विद स्टूडेंट सपोर्ट, जिसमें स्टूडेंट को किसी भी टाइप की क्वेरी है वो डाल सकते हैं और आपको जो स्टूडेंट सपोर्ट मैनेजर है वो आपकी क्वेरी को विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इनकी प्लेसमेंट्स के बारे में। नो डाउट इनका जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है, वर्चुअली जॉब फेयर्स भी कराता है जिसको स्टूडेंट अटेंड करते हैं इन अ वर्चुअल मोड। साथ ही साथ ये आपको करियर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। बट बहुत से स्टूडेंट्स का ये बिलीफ होता है कि अगर यहाँ पर लिखा है 100% प्लेसमेंट तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये यूनिवर्सिटी ही हमें प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगी। बट ऐसा नहीं होता, ये आपको गाइड करती है, असिस्ट करती है, इवन अच्छा करियर असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बट जो आपकी जॉब है वो आपको अपने बेसिस पर ही लेनी होती है। अब जान लेते हैं इनकी फैकल्टी के बारे में। इनकी जो फैकल्टी है यहाँ पे हमें इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स भी मिल जाते हैं और इसी से स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कंटेंट भी मिलता है और इससे स्टूडेंट्स की अच्छी नॉलेज भी गेन होती है और एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। इनके सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड और वो अपने स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से गाइड करते हैं ताकि उनको हेल्प मिल सके अपने फ्यूचर एंडेवर्स में और आगे की लाइफ में इंटरव्यू को फेस करने के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं डिस्कशन फोरम की। जी हाँ, एमिटी आपको एक डिस्कशन फोरम भी प्रोवाइड करता है जिसमें आप किसी भी टाइप की क्वेरी है या फिर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो वहां आप कर सकते हैं। आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वहां वेरियस डिस्कशन में वो भी शामिल होते हैं और आपका रिवर्ट करते हैं। हायरिंग पार्टनर्स और एलुमनाई वर्किंग एट की बात करें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कि आपको पता है टॉप बिग कंपनीज आती हैं फॉर रिक्रूटमेंट पर्पस, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेस भी हो जाते हैं और वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो हैं गूगल, स्पाइसजेट, नोकिया, सोनी, टाटा एटसेट्रा, बाकी सभी आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दिया एमिटी ऑनलाइन का ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यू। नाउ इट्स योर कॉल कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है या फिर नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ।